नमस्कार आपण मानंकु स्वागत जणे आरंभ करछु आज रौरकेला संवाद आज मुख्य संवाद रे सेल आरएसपी रे हॉस्टेल मिल सीट शेयरिंग लाइन दुई को स्वाभाविक करिवारे प्रशंसनीय अवदान पय अधिकारी पुरस्कृत प्रभावशाली कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन दिगरे संदर्भ रे समर्थ तालीम कार्यक्रम आयोजित स्वच्छता स्वाभिमान प्रयास अंश स्वरूप सेलर क्राइस्पात कारखाना कर्मचारी द्वारा बजार अंचल स्वेच्छाकृत सफेई अभियान एथर संपूर्ण संवाद सेलाउलका इस्पात कारखानार हस्टे मिल सीट सेयरिंग लाइन दुई को स्वाभाविक करिवारे प्रशंसनीय अवदान पई कारखानार दुई जण मुख्य महाप्रबंधक समेत सात जण अधिकारी को जुलाई 22 तारीख रे इडी वर्क सम्मेलन कक्षठारे आयोजित एक उत्सव रे सम्बोधित करा जायतिला। एई कार्यक्रम रे कार्य विभाग रे निर्वाही निर्देशक श्री सार सूर्यवंशी अध्यक्षता करी मेकानिकल विभाग रे मुख्य महाप्रबंधक श्री आर राजेन्द्रन डिजाइन एवं सब्स विभाग रे मुख्य महाप्रबंधक श्री रविरंजन डिजाइन एवं सब्स विभाग रे जीएम इंचार्ज श्री शेखर नारायण सब्स विभाग रे एजीएम श्री के आर मिश्र सीनियर मैनेजर श्री एन राउत असिस्टेंट मैनेजर श्री एस के महांति आरएसएम विभाग रे सीनियर मैनेजर श्री पी के प्रामाणिक को पुरस्कार प्रदान करते अवसर में कारखाना बहु सीजीएम एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम को ईडी वर्क सचिवालय सीनियर मैनेजर श्री के अग्रवाल संयोजना करते उल्लेखयोग्य जे हस्टे मिल दुईर सीट सियरिंग लाइन दुईर एक ब्रेकडाउन होता और कयल अनरोलिंग मुख्य सब आसेम्बली अनकयल जटिल रूपे छंदी हो पड़े अनकयल मांड्रेल क्षति गुरुतर था। यह ब्रेकडाउन एभली धरण थी जहाँ को सैट्रे मरामति करवा संभवपर ना तेणु फासी रही सिलिंडर और बुल गियर सहित संपूर्ण अनकयल मांड्रेल निष्कासन कर मेकानिकाल सब को अणाइला मेकानिकल सब सामूहिकों पर ही प्रकार कार्य प्रथम थिला एवं एथिनिमंदे उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नथिला। बहु मानस मंथन पर हाइड्रोलिक सिलिंडर को शीघ्र उद्धार करने अभिनव चिंतन प्रयोग करा जायतिला। यह व्यतीत प्रथम थर पर नूतन सब आसेम्बली पार्टस विकसित करा जायतिला। सहनशीलता अनुजाई 5100 मिलीमीटर दैर्घ्य और 160 मिलीमीटर व्यास और एथिनिमंदे नूतन नट तैयारी करा जायतिला। पुल रड एवं हाइड्रोलिक सिलिंडर थ्रेड मेलक एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता थिला जहाँ आवश्यक जिग एवं फिक्सचर सहित सफलतार सहित करनकयलर मांड्रेल हाइड्रोलिक सिलिंडर सहित पुल रड भर्ती करा स्लाइडर गुड़िकर सठिक स्लाइडिंग जत्न नेवापर मांड्रेल क्षतिग्रस्त अंश मरामति करा समस्त स्लाइडर गुड़िकर स्लाइडिंग पुनर्निर्माण करा विभिन्न जटिल एवं सामंतराल कार्यधारा उपर तीक्ष्ण निरीक्षण सहित मेकानिकल सप दिन राति कार्य करा सामूहिक एवं मिलित प्रयास चारिदिन मध्य कार्य समाप्त होता जहाँ प्रकृत पक्षे प्रशंसनीय प्रयास रही। रौरकेला इस्पात कारखानार एचआरडी केन्द्र में जुलाई 18 तारीख में प्रभावशाली कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधन दिगरे संदर्भ में समर्थ तालीम कार्यक्रम आयोजित होता। एचआरडी विभाग जीएम श्री एच एन पति और सीसीडब्ल्यू विभाग जीएम श्री देवदत्त शतपथी उद्यापनी कार्यक्रम में अध्यक्षता करते मतामत ग्रहण कर कार्यक्रम समीक्षा करने सहित मत विनिमय करते कारखानार विभिन्न यूनिट्रे मोट 39 इंडेन्टर और योजना सहायक यह कार्यक्रम अंशग्रहण करते अधिवेशन कॉन्ट्रैक्ट सेल वर्कर सामग्रिक चित्र यार दृष्टिकोण आशाकांक्षा और साधारण दोष त्रुटि विजिलेंस और आर्थिक दृष्टिकोण अंतर्भुक्त था। ठिका श्रमिकों संबंध आईनगत दिगरे अनुपालन मुख्य निजुक्तिदाता से प्रतिनिधि और सीईडी भूमिका और दायित्व आईनगत व्यवस्था अनुपालन ओआरएसपी प्रणाली और अभ्यास गुरुत्वारोप कर उत्तम बुझाणपी प्रत्येक अधिवेशन केस स्टडी अंतर्भुक्त था। वित्त लेखा विभाग जीएम श्री अश्विनी कुमार साहू अर्थ दृष्टिकोण उपर आलोचना करते टाउन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट सेल विभाग डीजीएम श्री पीबी राव कॉन्ट्रैक्ट सेल दृष्टिकोण उपर अधिवेशन तथ्य रखी विजिलेंस दृष्टिकोण संदर्भ में विजिलेंस विभाग जीएम श्री एके विश्वाल एवं वैधानिक नियम पालन विषय कार्मिक सेल्स विभाग सीनियर मैनेजर सुश्री संगीता सिंदूर तथ्य रखी एचआरडी विभाग सीनियर मैनेजर सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा सीसीडब्ल्यू विभाग सहयोग में कार्यक्रम परिचालना करते
ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ସେଠୀ ଏବଂ ଗଣେଶ ଓରାମ ତଥା ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଭାଗର ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ରାମହରି ପାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେକ୍ଟର 20 ଚିପ୍ ଟାଇପ୍ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦଳ ବଜାରର ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ସର୍ଫେସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଘାସ ବୁଦା ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଥିସମେତ ସେମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପେପର, ଟିଣ, ବୋତଲ ଆଦି ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରୂପେ ଏହି ଯୋଜନାର ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏସ୍ଏସ୍ କୋଚ୍, ନମସ୍କାର।